लाल किताब की आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। आज की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हम जो करेंगे आज मंगल से कार्य करेंगे। लाल किताब मंगल से है तो हम मंगल का ही कार्य पहले करेंगे। स्टार्टिंग मंगल से ही करते हैं आज की। हम मंगल के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे पहले और उसके बाद मंगल हम मंगल ग्रह के ऊपर आज कार्य करेंगे लाल किताब में। और उसके बाद थोड़ी सी और एक्टिविटीज को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी रेमेडीज पे करेंगे कार्य और देन वी प्रोसीड टू दी कोर्स की जर्नी जो होगी। मंगल एवरीबडी नोज मंगल एक बड़ा दयालु ग्रह है और खतरनाक ग्रह भी है, हिंसक स्वभाव वाला ग्रह भी है जिसका बल बहुत काफी बल हैगा। लाल रंग का ग्रह है, चतुर शूर पित प्रकृति का ग्रह है, तामसिक ग्रह है। अगर मंगल गुस्सेल होता है तो उसकी आंखें लालिमा पीलापन पे आ जाती हैं। जवान सुंदर घमंड करने वाला ग्रह मंगल माना जाता है। अग्नि अग्नि के समान क्रांति वाला ग्रह मंगल माना जाता है। मंगल की मेष और वृश्चिक राशि होती है, हमें पता ही है। Am I audible? Yes, sir. Something happened with my system. Give me a minute, please. सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। वेट कीजिए सर, बोलेंगे। गिव अस अ मिनट, राजू सर इज रीजॉइनिंग। आ रही है दिक्कत। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सम इश्यू विद द इंटरनेट। राइट, सो मंगल की हम बात कर रहे थे, मंगल की बात कंटिन्यू करते हैं। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। हमको पता अशुभ मंगल अपने लिए केतु को बलि का बकरा बनाना चाहता है। दिस इज व्हाट He's been told in the Lal Kitab and we will get into the explanation of it कि वो कैसे रहता है। ग्रह की बनावट के अनुसार अगर हम मंगल को देखें तो मंगल अपनी माइक प्लीज म्यूट रखेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट यू। देखें तो शुभ सूर्य और बुध मसनूई ग्रह हम पढ़ेंगे। मसनूई ग्रह सूर्य और शनि और सूर्य और बुध दो मंगल के शुभ अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य अगर सूर्य बुध के साथ होता है तो शुभ माना जाता है, सूर्य शनि के साथ होता है तो अशुभ माने जाते हैं। मंगल के अंदर ये युति जब अगर इनकी सूर्य और शनि की जब युति चार्ट के अंदर किसी की बनी होती है, सूर्य बुध की बनी होती है, उस हिसाब से मंगल की बनावट देखते हैं। ये एक काइंड ऑफ ए टेम्परेरी बनावट देखी जा सकती है और इसको मसनूई ग्रह भी बोला जाता है। तो हम इसके ऊपर डिटेलिंग में बात करेंगे बट एक व्याख्या के लिए भी लिया है। मंगल अगर अशुभ है, खराब है, बुरे असर दे रहा है तो तकलीफ बढ़ाएगा तो जातक के घमंड बढ़ाएगा, जातक का बुरा असर डालेगा। देखते देखते ही बुरा असर डालना शुरू होता है, चलाक होता है। तेजी वाला ग्रह है तो बहुत तेजी से असर डालता है।
और ये मंदे फल प्रदान करता है, उसको रोकने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं मंगल के, भारी नुकसान से बचने के लिए, जिसकी भरपाई करते करते इतना समय कई बार गुजर जाता है कि मंगल अपना कार्य कर चुका होता है। तो मंगल बहुत फास्ट ग्रह है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ता है, क्योंकि मंगल की गति के साथ मंगल की ऊर्जा भी उतनी तेजी से है, और उसमें हमें अगर मंदे फल अगर मंदे मंगल दे रहा होता तो मंदे फल के अंदर हमें उसके नुकसान हमें उठाना पड़ता है। मंगल के जो मित्र हैं बृहस्पति सूर्य चंद्रमा माने जाते हैं, और बुध और केतु की गिनती इसके शत्रु ग्रह में होती है मंगल के। मांगलिक दोष मंगल से देखा जाता है आमतौर पर, मांगलिक देश को दोष को दर्शा दिखा के काफी डराया धमका भी जाता है, बट हम इसके विषय में चर्चा करेंगे मांगलिक दोष के विषय में। बट मंगल लाल किताब भी कहती है मांगलिक दोष हमेशा अमांगलिक नहीं होता, लाल किताब के अनुसार मांगलिक दोष के बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, मांगलिक अगर हो कुंडली में तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हैं, इसके बाद पूरा हम चर्चा करेंगे आगे मांगलिक दोष। लेकिन मांगलिक दोष इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा इसमें दर्शाया जाता है। मंगल को अगर हम और समझे मंगल तो मांगलिक अरिष्ट योग को निवारण के लिए मंगल के लिए वैदिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए, झूठे व्यक्तियों की जमानत नहीं करनी चाहिए हमें, असत्य भाषण नहीं देना चाहिए, असत्य शब्द नहीं बोलने चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, शाकाहारी चीजों का सेवन करना चाहिए, साधु फकीरों से धागा ताबीज नहीं ले तो हमारे लिए अच्छा रहता है अगर मंगल मांगलिक या मंदे फल दे रहा हो तो, किसी विधवा औरत से हमें जमीन जायदाद या पैसे की वसूली नहीं करनी चाहिए, ऐसे जातक को दक्षिण दिशा में मकान लेके नहीं रहना चाहिए, दक्षिण दिशा वाला निवास स्थान नहीं होना चाहिए। जो लोग निसंतान हो और हैंडीकैप हो उनसे उनकी सहायता करनी चाहिए, मीठा खिलाएं या खाएं, बहन को उपहार देने चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जन्म अवसर में बालक को मीठा बालकों को मीठा खिलाना चाहिए, अपने घर अगर आए पर धारे हुए गेस्ट को सौंफ और मिश्री मिला के खिलाएं। हम अपनी साली मौसी के घर जाएं तो मिष्ठान उपहार के रूप में लेके जाएं। थर्ड जेंडर की सहायता करें, उसको उपहार दें, अपने से छोटे भाई की संतान हो उनके पालन पोषण में उसकी सहायता करें, मामा ताऊ की सेवा करें, हाथी दांत की बनी वस्तुएं फायदेमंद होती है, ऐसे में घर में शस्त्र जंग लगी औजार नहीं ना रखें, उनको जल में प्रवाहित करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं और बांटें, हनुमान जी को 14 सिंदूर चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का पांशुक जप करें, दुर्गा सरस्वती जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, लाल रुमाल साथ रखें हमेशा, चांदी का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करने से फायदा होता है, मूंगे का धारण किया जाता है लेकिन देख के संभल के किया जाता है, वो चांदी की चूड़ी अगर लाल रंग की मिलती है तो उसे धारण करने में महिलाओं को फायदा होता है, बंदरों को केला कानून के तहत अगर अखियुष ने थैंक यू चांदी की चूड़ी लाल रंग की धारण करने में महिलाओं को फायदा होता है, बंदरों को केला खिलाने में फायदा होता है, तंदूर की मीठी रोटी कुत्तों को खिलाने से जिनका मंगल बद होता है या मंगल अशुभ होता है तो उनको फायदा होता है, धर्मस्थान में मिष्ठान देने से फायदा होता है, बहते जल में 100 ग्राम चीनी प्रवाहित करने से फायदा होता है, चांदी की डिब्बी में शहद भर के जल में प्रवाहित करने से उन्हें फायदा होता है, अगर दीवार कच्ची है
तो उसे गिरा के दोबारा बनवाए। तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। लाल किताब या हरिवंश पुराण दान देने से उन्हें फायदा प्राप्त होता है। कुछ कुछ नियम थे ये मंगल के, जो हम आगे अपने समय समय पे करेंगे। मंगल के मंदे ग्रह की एक पहचान ये भी होती है कि मंगल जब मंदा होता है, प्लीज अपने माइक ऑफ रखें एडविन, प्लीज टू कंट्रोल। मंगल जब मंदे होते हैं या मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे होते हैं, तो ऐसे में उस घर में उस जातक के जो बच्चे पैदा होता है पहला, या तो वो बिगड़ जाता है, या बच्चा पैदा होने के बाद गुजर जाता है। आंखों की प्रॉब्लम और खून का रंग, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, खून का रंग जो होता है उनका, जैसे जमा हुआ खून, ब्लड कलर, ऐसा कलर मैं प्रश्न लूंगा आप सबके, मुझे समय दें। रामजी देसाई जी, जय जय जी, वी विल टेक एंड आई रिक्वेस्ट एडमिन टू पुट एवरीवन ऑन म्यूट फॉर सम टाइम। खून का जो रंग होता है, ऐसे में ये मंगल की निशानियों की बात कर रहे हैं कुछ हम, तो वो गहरे कलर का होता है। अब बच्चा पैदा करने में भी तकलीफ आती है, इसके लिए मंगल के लिए सफेद सुरमे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि इसका छोटा सा उपाय हम ये कर सकते हैं। मंगल मंगलवार से रिप्रेजेंट करता है। मंगलवार के दिन जिनका मंगल बद हो, जिनका मंगल अशुभ हो, ऐसे जातक को मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, रदर पानी में रेवड़ियों को प्रवाहित करना चाहिए। बालकों को, बंदरों को प्रसाद बांटे, बंदरों को केला खिलाएं। जिनका मंगल अच्छा है, उच्च है या अच्छे फल दे रहा है, उन्हें मंदिर में लड्डू चढ़ाने चाहिए, स्वयं भी खिलाएं और लोगों को भी खिलाएं। अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल रखें तो उनको मंगल के बेनिफिट मिलते हैं। मंगल अगर प्रथम भाव में है, प्रथम भाव सूर्य का घर है, मंगल का अपना घर है, सूर्य का उच्च का घर है, जाता है मंगल की तरह अपने कार्यों में भी आवेशी और तेजी दिखाता है। ऐसे जातक ऊर्जावान, साहस, शक्तिशाली, धीरज वाले होते हैं। पहले घर में मंगल व्यक्ति स्वतंत्र रहने का चाहता है, अपने विचारों में अपनी आजादी हर तरीके से चाहता है। जो भी हालात हो, वह तथ्यों को छिपाना बिना आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकने में सहमत होता है। दैट इंडिकेट्स बोल्डनेस टू, दैट इंडिकेट्स साहस, ऊर्जा, आक्रामकता। अगर यही मंगल अगर पहले भाव में पीड़ित हो, तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में निर्दयी या दगा होने का संकेत देता है। संबंधों में भी एक भरोसेमंद साथी नहीं दिखाई देता। जातक को सोच चोट पीट आसानी से लगती है। जातक जल्दी जल्दी चोटों का शिकार होता है। ऐसे जातक का रवैया जो होता है थोड़ा आक्रामक होता है, नकारात्मक विचार होते हैं। नकारात्मक विचार से दूसरों को आकर्षित करना चाहता है और नकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिरोध अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपने धैर्य को खो बैठते हैं और विवाद बढ़ जाता है। प्रथम भाव में अगर मंगल होता है
तो जातक को 28 वर्ष की आयु से अच्छे परिणाम मिलने प्राप्त होते हैं। जातक अगर सच्चेवादी हो, अच्छा बोलने की कोशिश करें, लोगों की सहायता करें तो धनवान बनने की कोशिश होता है, सरकार से भी लाभ प्राप्त करता है। और बिना मेहनत, ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा तिगड़मबाज के अपने कॉम्पिटिटर पे, अपने दुश्मनों पे, अपने साथियों पे जीत हासिल करने की तरफ बढ़ता है। शनि से जुड़ा व्यवसाय लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि से मुनाफा कमाता है। शनि के रिश्तेदार जैसे चाचा, भतीजो, पोता से फायदा करता है। इनके साथ मिलकर कार्य करने में, इनके द्वारा कार्य करने में जातक को फायदा होता है। ऐसा जातक जिसका मंगल शुभ और मंगल लगन में बैठा हो, जो शब्द मुंह से निकलता है वो बेकार नहीं जाता, ऐसा तो सोच समझ के बात करनी चाहिए ऐसे को, क्योंकि ऐसा जातक आक्रामकता में बहुत शब्द बोल जाता है जो नुकसान तय हो जाते हैं। और यही मंगल के साथ शनि की युति बन जाती है किसी प्रकार से, तो ये शारीरिक परेशानी दर्शाता है। जातक का सप्तम भाव खाली हो तो मंगल लगन में बैठा हुआ सोया माना जाता है, हम सोई विधि पढ़ेंगे पूरी, और 27 वर्ग के साथ भाग्योदय होता है अनलेस उसको जगाया जाए, वो विधि भी हम पढ़ेंगे। छोटे बड़े भाई अक्सर होते हैं, क्रोध स्वभाव होता है। जैसे 32 दांत वाला व्यक्ति की जुबान का जो पत्थर होता है, जुबान के जो शब्द होते हैं वो पत्थर के लकीर होते हैं, इसी प्रकार मंगल अगर लगन में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो शब्द होते हैं वो पत्थर के लकीर के समान होते हैं। जातक का लंग लालिमा पे होता है तो थोड़ा सा कालापन भी हो जाता है। घर में हाथी दांत का सामान उसके लिए फलदायक होता है। छोटे भाई की हेल्प करना, छोटे भाई के परिवार की हेल्प करना इसके लिए फायदेमंद होता है। कुछ निशानियों के रूप में हमें लाल किताब बताती है कि मंगल लगन में होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कि मंगल यूनिफॉर्म का कारक है। यूनिफॉर्म मतलब पुलिस फोर्सेस का कारक है, जितनी भी बलशाही फोर्सेस है उनका कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में कोई पुलिस फोर्सेस से लिंक्ड होता है व्यक्ति। शारीरिक चुस्त दुरुस्त होता है। जातक के सिर माथे पे कोई चोट का निशान होता है, जिसके लगन पे मंगल का प्रभाव होगा उसके जातक के सिर माथे पे चोट का नुकसान निशान आपको दिख सकता है। ऐसे जातक को मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए और बुरी चीजों में शामिल नहीं होनी चाहिए। हाथी दास संबंधी जो चीजें होती हैं उनका दान प्रदान करने से फायदा होता है। मोंगा पहना जा सकता है, देख के पहना जाए, पहले भाव के हम ये रूल पढ़ रहे हैं। शुद्ध चांदी उनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है और सौंफ का प्रयोग करना उनके लिए लाभदायक होता है। हनुमान जी का सिंदूर का तिलक माथे पे लगाना उनके लिए फायदेमंद होता है। गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ना उनके लिए फायदेमंद होता है। हम रेमेडीज के माध्यम से बहाने की रेमेडी, दबाने की रेमेडी के जो पीछे बैकग्राउंड है वो हम पूरा समझेंगे, पढ़ेंगे। बट उपाय, क्योंकि हम भाव कर रहे हैं तो भाव के पर्सपेक्टिव से उपाय मैं ये बताना चाहेंगे कि अगर घड़े में गुड़ भरकर जमीन में दबा जाए तो प्रथम घर के मंगल अगर अकारक परिणाम प्रदान कर रहे हैं तो उसमें फायदा होता है। अपने पास लाल रंग का रुमाल रखने से फायदा होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हाथी दांत का सामान रखने से फायदा प्राप्त होता है। यही मंगल अगर जिनके दूसरे भाव में बैठे हों, दूसरा घर किसी व्यक्ति के पैसे परिवार मामलों को दर्शाता है, बोलने का तरीका अंदाज दर्शाता है। मंगल का स्थान व्यक्ति को धनवान बना सकता है। वहां पे निपक्ष कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन दर्शाता है। सतत रूप से काम करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति,
अपने प्रयासों से अपना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं पर पैसे खर्च करता है। ऐसा जाता है लेकिन परिवार में कई बार कठोर अपमानजनक भाषा का उपयोग भी करता है और जिससे बदनामी का कारक बनता है। दूसरे घर में मंगल के साथ जातक आमतौर पर अपने माता पिता का सबसे बड़ा लड़का हो सकता है और हमेशा बड़े नहीं भी अगर है इन केस तो सेकंड हाउस के अंदर मंगल व्यक्ति को लीडरशिप दर्शाता है कि घर परिवार में वो बड़ा बन के रहने पसंद करता है और बड़ा बढ़ के रहने से जो जो डिसिप्लिन और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसके अंदर अपना भूमिका निभाता है। घर में ससुराल में अपनी जगह स्थापित करता है और ससुराल परिवार में बहुत धन और संपत्ति का कारक भी बनता है। दूसरे घर में मंगल वाला व्यक्ति और यही मंगल अगर दूसरे भाव में अशुभ परिणाम दे रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत झगड़ालू होता है जो कि पारिवारिक कष्ट का कारक बनता है। दूसरे भाव में मंगल बुध की इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। ऐसा व्यक्ति अगर भाइयों की सेवा करता है तो हमेशा तरक्की प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्वादिष्ट व्यंजन का खाने का शौकीन होता है, पकवान खाने का शौकीन होता है और ससुराल की चीजों से धन लाभ प्राप्त करता है। अशुभ मंगल भाइयों में झगड़ा विरोध पैदा करता है। छोटे भाइयों से तकलीफ पैदा होती है। दूसरे भाव का मंगल मसालेदार फास्ट फूड तंदूरी खाने का शौकीन होता है, यानी कि टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए इधर उधर घूमता है या टेस्ट के लिए खाना खाता है। दूसरे भाव का मंगल, लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति मीठा बनकर दूसरों से टकरे में भी माहिर होता है, बट एट द सेम टाइम सच का साथ दे और सच बोले तो ऐसा भी मंगल बहुत तरक्की करता है और बहुत धन अर्जित करता है जीवन में। दूसरे भाव में मंगल लाल किताब के अनुसार बिजली के सामान का व्यापार करने से गति मिलती है, दोस्तों की भाइयों की मदद करने से प्रगति मिलती है, अपने साथ लाल रंग का रुमाल रखने से फायदा होता है। सुबह सुबह शायद को चखने से फायदा प्राप्त होता है। चंद्रमा से संबंधित चीजों से व्यापार करने से उनको फायदा प्राप्त होता है। ससुराल के लिए फायदेमंद होता है। अगर उपाय के पर्सपेक्टिव से देखें तो 5 छुरे उबाल के पानी में जल प्रवाह 5 दिन तक लगातार करें। बच्चों को दोपहर के समय फल बाटे, 200 ग्राम रेवड़ियां जल प्रवाह करें। छोटे बच्चों को अगर गुड़ दे तो यह उसके लिए फायदेमंद होता है। यही मंगल अगर तीसरे भाव में होता है तो तीसरा का साहस प्रयासों का कारक माना गया है। इस घर मंगल सहायक आत्मविश्वास मुश्किलों से बाहर आने की तरकीब उसको आती है, वो कोशिश करके ढूंढ लेता है। रिश्तों में वह खुद को साबित करने के लिए कठोर भाषा और तर्कों का उपयोग कर सकता है। ऐसा जातक लर्नर होता है, सीखने के लिए कुछ लर्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
और किसी भी विषय पे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो दूसरे के साथ साझा कर सकता है, दूसरे के साथ संबंध बना सकता है। बट ऐसा जब तक बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ऐसे जाते के बाद धैर्य कम होता है दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने के लिए। तीसरे घर का मंगल बुध से प्रभावित होता है, जाता के भाई बहन होते हैं और जाता अपने माता पिता का भी एकमात्र पुत्र हो सकता है, ऐसी निशानियां दिखी जा सकती हैं। जातक के विवाह के बाद ससुराल वाले और अधिक हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, और जातक खुद खाओ पियो ऐश करो मित्रों के सिद्धांत पे विश्वास करता है, लेकिन एट द सेम टाइम मेहनत बहुत करता है, बुलंद होता है। ऐसा जाता है लेकिन अपना काम खुद बिगाड़ लेता है, और ऐसे जातक का या तो को खून की बीमारी या ब्लड प्रेशर का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत योग्यता होती है इसमें, पहलवानी का शौकीन होता है, और ऐसे जातक का बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो तो ससुराल अमीर होता है। और ऐसा जातक गो कार मुंह का जो मकान होता है, गोकार मुकुन मुंह का जो मकान होता है, अगर उसमें रहता है तो सुखद जीवन व्यतीत करता है, और यही शेर कार मुंह का मकान में अगर रहता है तो फलों में कमी आती है, तकलीफ बढ़ती है, ऐसे जाता कि लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। तीसरे घर का मंगल की निशानियों के माध्यम से हम ये बोल सकते हैं, ऐसा जातक क्रोधी घमंडी और अक्कड़बाज होगा, फोकी शान बोला गया है, जिम जाने का शौकीन, बॉडी बिल्डिंग। अपने घर में अगर हाथी दांत की चीजें बनी वस्तुएं रखे तो उसे लाभ होता है, उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए उन्हें चंद्रमा की सहायता लेनी चाहिए और चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। अपने बाएं हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने तो इनको फायदा होता है, अपने चरित्र को इनको अच्छा रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ताकि इनके स्वास्थ्य पे बुरा असर ना पड़े। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का सिंदू लगाना चाहिए, भोजन के बाद मेहमानों को मिठाई खिलानी चाहिए। मंगल अगर चौथे भाव का हो, ऐसे जातक की भावनाएं मन विचार प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली होती हैं, बहुत इमोशनल और आक्रामक होता है, ऋषालु होता है, अपने मतलब से भरपूर होता है। ऐसा जाता है अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छी करता है, लेकिन जहां उसका अपना मतलब सिद्ध नहीं होता वहां पे आक्रामक हो जाता है। चौथे घर का मंगल कठोर भाषी हो जाता है, और वे छोटे भाई की सहायता करे तो 360 डिग्री चेंज आ जाता है।
चौथे घर का मंगल परिवार में ही गलतफहमी पैदा और टकराव पैदा कर देता है, रिश्तेदार में परिवार में गलतफहमी टकराव पैदा कर देता है। और बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता का चौथे भाव का मंगल तो जलन या जलने की अवस्था भी, मार पिटाई या कोर्ट कचहरी या एक्सीडेंट की नौबत भी ऐसी आ जाती है और ये तकलीफ का कारक बनता है। परिवार के लिए खुद की शांति भी भंग होती है। चौथा घर चंद्रमा का है और यहां पे अगर मंगल अच्छा होता है तो जातक की आग ठंडी हो जाती है। पानी का घर है तो उसकी आग जो गर्मी होती है वो उसको ठंडक पहुंचती है। जातक के मन को शांति मिलती है अगर अशुभ चंद्रमा होगा। जातक लोगों के लिए सहायक होता है, सोशल वर्किंग बहुत करता है, मेहनत करता है, माँ का दुलारा होता है, साहसी होता है और घर परिवार को बांध के रखने वाला होता है। लेकिन उसका जो क्रोध होता है वो जीवन के विभिन्न पहलुओं को विनाश का कारक बना देता है। चौथे घर का मंगल का जातक घर में उसका दबदबा रहता है, अगर उसकी राय नहीं ली जाए हर काम में तो झगड़ा होता है। ऐसे जातक की शादी 27 वर्ष के बाद करवानी चाहिए। दूसरों को नसीहत और सलाह अच्छा दे देता है, अपने में फॉलो नहीं कर पाता। हुक्म चलाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास घर के पास पीपल का पेड़ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति के घर में अशांति, अगर मंगल अशुभ होगा तो ऐसे घर के घर में अशांति, आग दुर्घटना, ऑफिस में फैक्ट्री में आग दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सीढ़ी के नीचे रसोई या सीढ़ी के नीचे किसी प्रकार का अग्नि बहुत अशुभ फल प्राप्त करती है। सीढ़ी बुध को रिप्रेजेंट करती है और सीढ़ी के नीचे रसोई मंगल को रिप्रेजेंट करती है। अब बुध और मंगल का मिलन यहाँ पे बहुत ज्यादा अशुभ फल प्राप्त करती है, देती है। ऐसा व्यक्ति गिरकर चोट खाता है और खास मुंह पे चेहरे पे चोट लगना की एक निशानी है। ऐसे व्यक्ति को मुंह पे चेहरे पे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक हो जाता है, हिंसक होने से दूसरे को नुकसान, मारपिटाई, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मंदे मंगल की निशानी है कि ऐसे व्यक्ति के पास घर के पास कोई किसी प्रकार का कब्रिस्तान, शमशान, घर में तहखाना, जली हुई राख, जली हुई मिट्टी, घर के नीचे दबी हुई कोई दरगाह, इस टाइप की कोई निशानी हो सकती है। चौथे घर का मंगल अशुभ हो तो मंगल बद की आम निशानी है। जातक के बेटा नहीं होता और शादीशुदा जिंदगी दिक्कत आई होती है। पेट संबंधी रोग रहने की संभावना रहती है और ऐसे आम तौर पे घर शेरमुखी हो सकता है और घर के अंदर तकलीफें बढ़ जाती हैं उससे। यह मंगल बद या अशुभ मंगल की निशानी है।
मंगल से बुरे प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन गंगा जल से दांतों को साफ करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बरगद के पेड़ की जल में जड़ों में मीठा दूध डालना चाहिए और जो गीली मिट्टी हो जाती है उसको अपने माथे पर लगाना चाहिए। अगर घर में आग जलन की घटनाएं होती हों तो छत पे चीनी गुड़ की बोरी रखनी चाहिए। और घर के दरवाजे पे चकोर चांदी का टुकड़ा लटकाना चाहिए। तांबे गुड़ गेहूं चांदी दूध आदि का दान करने से मंगल के हानिकारक प्रभाव में कमी आती है। बुजुर्गों संतों साधुओं का निशान का ध्यान रखना भी मंगल के हानिकारक प्रभाव को कमी लाता है। बड़े मामा का ध्यान रखें। गुड़ व्यापार का व्यापार इनके लिए हानिकारक रहता है। मंगलवार का व्रत रखें। गायत्री छंद का पाठ करें। हनुमान जी के सिंदूर को माथे पे लगाएं। मीठी वस्तुएं का कारोबार नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, बल्कि लोगों को मीठी वस्तुएं खिलानी चाहिए। चांदी का छल्ला बेजोड़ कलाई का ढला हुआ उसको धारण करें। गंगा स्नान करें अक्सर गंगा स्नान करें। बंदर को केला या बंदर की सेवा करें। अक्सर पानी में रेवड़ियां जल प्रवाह करें। सोना चांदी तांबे की अंगूठी पहनने से लाभ होता है। चावल को दूध से धोके जल प्रवाह करें 7 मंगलवार लगातार। इसे अशुभ मंगल चौथे घर के अशुभ मंगल में कमी आती है। यही अगर मंगल पांचवें भाव का हो। पंचम भाव एक मजबूत भाव है। सकारात्मक मंगल जातक को बहुत ऊर्जावान और सक्रिय बना देता है। ऐसा जातक आत्मविश्वासी शक्ति से भरा होता है। जीवन में जोखिम ले लेता है। भौतिक दृष्टि से दुनिया के लिए प्रतिकूल और शुभ दृष्टिकोण रखने वाला होता है। हर लक्षण आनंद देने वाला आनंद लेने वाला होता है। यहीं पे अगर मंगल नकारात्मक ऊर्जावान हो तो दूसरों से ईर्ष्या भी करता है, विश्वास खो बैठता है। अपनी भौतिक संपत्ति को दुनिया को दिखाने में यूज करता है और गर्व महसूस करता है। पंचम भाव का मंगल जायदा के अच्छे भाग्यशाली अच्छे और भाग्यशाली बच्चों का दर्शाता है और ये इसके जीवन के लिए सहायक होते हैं। जातक के बच्चे अच्छी ऊंचाइयों तक जाते हैं, काबिल बनते हैं। जातक अपने बच्चों पे गर्व महसूस करता है। जातक को खुद को पंचम भाव में मंगल से अनैतिक होने के दृष्टिकोण से अपने पे लगाम लगानी चाहिए, अपने पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि उसको प्रतिकूल परिणाम मिले। तो जातक को बदनामी देता है। पांचवा घर सूर्य का होता है जो मंगल का प्राकृतिक मित्र है। इस घर में मंगल अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। जातक के पुत्र उसके लिए धन प्रसिद्धि का कारक बनते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल चाइल्ड इज हाई
अब बेटा होने के बाद समृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, धन प्राप्त होता है। शुक्र चंद्रमा के द्वारा जो चीजें होती हैं, शुक्र चंद्रमा के जो वस्तुएं होती हैं, वो जातक को फायदा देती हैं। और ये भी दर्शाता है कि पास्ट लाइफ के अंदर ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार का मेडिकल साइंस से कनेक्टेड होगा, डॉक्टर या वैद्य हो सकता है। और जातक की जो धन शक्ति, समृद्ध शक्ति होती है, वो उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। जातक को विपरीत लिंग के साथ रिलेशंस, ये विनाशकारी दर्शाता है। पंचम भाव का मंगल, रात की नींद शांति भी भंग कर देता है। जातक के जन्म के समय नीम का वृक्ष घर के बाहर या घर के आसपास लगा होने की संभावनाएं होती हैं। जातक के जन्म के बाद पंचम भाव का मंगल, उसके परिवारजन अमीर हो तो और भी अमीर, यानी कि पैसे में बरकत होती है। ये ऐसा जातक अगर किसी को अपनी सीक्रेटिव चीजें शेयर करता है तो नुकसान में रहता है। पंचम भाव के मंगल को अपनी सीक्रेटिव चीजें शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान में रहता है। अगर खाना नंबर 9 में अगर कोई ग्रह होता है तो मंगल को यहाँ फायदा होता है, क्योंकि वो जागता है। ऐसे व्यक्ति का किस्मत का दरवाजा संतान पैदा होने के बाद खुलता है, और या फिर पंचम हाउस को जगाना पड़ता है। पंचम हाउस में मंगल बैठे, मंगल को जगाना पड़ता है। इसकी विधि हम सीखेंगे आगे जाके। परिवार में डॉक्टर, केमिस्ट या मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने की संभावनाएं होती हैं। मामा खानदान और चाचा खानदान में मेल मेंबर की मृत्यु पहले होने की संभावना ज्यादा होती है। पंचम हाउस में मंगल व्यक्ति को व्यायाम की तरफ आकर्षित करता है और एक पर्सनालिटी देता है जो कि सेलिब्रिटी स्टाइल की पर्सनालिटी होती है। पंचम भाव के मंगल वाले व्यक्तियों के घुटनों में, जोड़ों में, जैसे घुटने और जोड़ों में अगर वीकनेस होती है तो टक टक की आवाज जैसे आती है, तो वैसी आवाजें वैसे महसूस करेंगे वो लोग, पंचम भाव के मंगल वाले। और जातक के परिवार में नीम हकीम, आज के संपर्क में मेडिकल साइंस से लोग जुड़े हुए, केमिस्ट से जुड़े हुए देखे जाएंगे। ऐसे जाते पंचम भाव में जो मंगल होता है उसकी दृष्टि भी जो होती है वो थोड़ी क्रूर दृष्टि वाला होता है। वहां बैठा हुआ मंगल ठीक है, लेकिन उसकी दृष्टि क्रूर होती है। दूसरे जगह पे जो बैठे प्लैनेट और घर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे जातक को सोते समय पानी पास रखना चाहिए, सुबह उठ के पौधे में वो पानी देना चाहिए। अपने बच्चों के साथ विनम्रपूर्ण पेश आना चाहिए और उनके बच्चों के दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए। नीम का पेड़ इनके लिए अच्छा होता है। नीम का पेड़ ये घर के पास लगाएं, नीम के पेड़ की परवरिश करें, इनके लिए अच्छा होता है। अपने पूर्वजों का पंचम हाउस पास्ट लाइफ से रिलेट करता है, अपने पूर्वजों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अपना चरित्र साफ रखना चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए और भोजन के बाद मिठाई खिलानी चाहिए लोगों को। अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए, मूंगा पहनने से इनको फायदा होता है, मंगल देख के पहने। लेकिन
जिनका मंगल यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं दे रहा होता, ऐसे लोग अगर कांच के बर्तन में या मर्तबान में शायद भरकर जिम में दबाते हैं तो इनको लाभ होता है, और रात को पानी भर के सराहने रखते हैं, सुबह उठ के वो पीपल में या पौधे में देते हैं तो उनको लाभ होता है। ऐसे लोगों को डेक का, बेरी का, इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर के पास या घर के आंगन में, अगर हो तो उसको हटवा देना चाहिए उन्हें। मंगल छठे हाउस में, इस भाव में मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली, ऊर्जावान, दृढ़ शंका वाला बनाता है, कठोर परिश्रम बनाता है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है, हर काम वो अपनी तरह से करना चाहता है, अपने अपने तरीके से, रोक टोक नहीं चाहता, दृढ़ संकल्प वाला होता है, और परिणाम पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए प्रयास करता है, कड़ी मेहनत करने से संकोच नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है। ऐसा व्यक्ति खुद भी बड़ी मेहनत करता है और अपने कार्यस्थल पे अपने सहयोगियों से भी बड़ी मेहनत की अपेक्षा करता है, उसका ऐसा व्यक्ति बहुत ही फोकस, डेडिकेटेड होकर काम करता है, ध्यान केंद्रित करके काम करता है। छठे भाव का मंगल जातक को श्रद्धा से, निष्ठा से काम करने की प्रेरणा देती है, और ऐसे जातक की जब प्रशंसा होती है तो वो खुश बहुत होता है। जब उसके उच्च अधिकारी, उच्च वरिष्ठ लोग मान सम्मान दे, वेतन में बढ़ोतरी करें या वेतन ज्यादा दें, तो ऐसा व्यक्ति पुरस्कार में मिली हुई चीजों से बहुत खुश होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपनी खुशी को हजम करने से खुशी बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति जितनी अपनी खुशियां दिखाएगा, जितनी अपनी खुशियां लोगों के साथ साझा करेगा, उतना उसका नुकसान होता है। उसको जितना वो खुशियों को हजम करता है, वो उतना बेहतरीन कार्य करता है। यहाँ पे मंगल बुध के घर में होता है और केतु का ये पक्का घर है। ये बुध के घर और केतु का घर पक्का घर, इन विषय में भी हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में, और दोनों ही इसके परस्पर शत्रु हैं, जो मंगलों कभी भी सपोर्टिव नहीं होते। और यहाँ पे बैठ के मंगल खुद को इन दोनों से दूर रखना चाहता है। जातक न्यायप्रिय होता है। ऐसा जातक की जो हिम्मत होती है, साहस होती है, वो ऐसी होती है पानी में आग लगा दे। ऐसा व्यक्ति अपने सर्विसेज के द्वारा अपनी भाइयों, अपनी बहनों, माताओं का पालन पोषण करे तो जीवन में बहुत सुखद जीव महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को मीठा बांटना चाहिए। अपनी खुशियों को ज्यादा जाहिर करना ऐसे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे व्यक्ति के घर अगर बच्चा पैदा होए, बेटा पैदा होए स्पेशली, और वो ढोल ढोल नगाड़े बजाए और मीठा बांटे बहुत ज्यादा, तो उसका नुकसान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे खुशी के माहौल में ढोल नगाड़े बजाने से बचना चाहिए, बैंड बाजे से बचना चाहिए, और नमकीन नमक की चीजें, नमकीन की चीजें बांटने में उसको फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है और मीठा खिलाने का भी बहुत शौकीन होता है, लेकिन खुशी के माहौल पे मीठा
बांटना उसके लिए नुकसानदायक रह जाता है। बुध छ सॉरी मंगल छ व्यक्ति को खून की बीमारी, रक्तचाप की बीमारी की तकलीफ प्रदान करता है। बवासीर की समस्या भी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बैंक से लोन जरूर लेता है, उस लोन को चुकाने में ही बहुत मुसीबतों का सामना करता है। तो हिदायत ये दी जाती है ऐसे में कि ऐसे व्यक्ति को बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए। घर में टूटी टूटी हुई लाइटें या खराब लाइटें या बिजली के खराब उपकरण नुकसानदेह होते हैं। ऐसा व्यक्ति घर के आसपास जितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स या होते हैं तो उनका स्वाद चखने का लिए हमेशा प्रेरित रहता है। ये कुछ निशानी है मंगल की। ऐसा व्यक्ति चांदी चावल का दान करे तो उसको फायदा होता है। अपने ब्रदर इन लॉ का साले का इसको ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, उससे रिलेशन अच्छा रहना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से लाभ होता है। गायत्री मंत्र का पाठ करने से लाभ होता है। हनुमान जी का सिंदूर लगाने से लाभ होता है और अपने भाइयों का ख्याल रखने से लाभ होता है। नौ वर्ष से कम की आयु की कन्याओं का पूजन करने से लाभ होता है। चार नारियल को अगर मंगल बहुत ही मंदा प्रभाव दे रहा है तो चार नारियल को जल प्रवाह करने से लाभ होता है। संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो संतान प्राप्ति के लिए चावल साबुत दूध कच्चा चांदी का दान करने से लाभ प्राप्त होता है। पांच मंगलवार लगातार डेली वाला थोड़ा नमक लेके गाय को खिलाने से लाभ प्राप्त होता है। नमक की बनी हुई चीजें बांटने से लाभ प्राप्त होता है। छह अविवाहित लड़कियों को दूध पिलाने से लाभ प्राप्त होता है। मंगल सात, सातवां घर वैवाहिक जीवन का घर है, सुखों का घर है, सुख संबंधी चीजों का घर है। मंगल यहां पे अहिंसक हो गया तो वैवाहिक जीवन में संबंधों में बुरा असर पड़ता है। वैवाहिक जीवन मजबूत संबंध समस्याएं कठिनाइयों का सामना करना सातवें घर में मंगल की गर्मी का बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। और यहां पे बैठे मंगल देव विवाह में बाधा देरी की जिम्मेदारी लेते हैं। गलत फहमी पति पत्नी में मतभेद पैदा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और यहां से बैठे मंगल को व्यवसाय करने में भी तकलीफ आती है क्योंकि मंगल सातवां घर डेली इनकम का डेली व्यवसाय का भी है। सातवां घर शुक्र का है और बुध का है और इनके सब प्रभावों को दर्शाता है। और शुक्र और बुध दोनों एक साथ मिलकर सूर्य के प्रभाव देते हैं। और यदि यहाँ पे मंगल आ जाए तो सातवें घर का सूर्य और मंगल दोनों को प्रभावित होता है और जिससे कि जातक की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वैवाहिक जीवन में तकलीफ पड़ जाती है। सातवां घर धन संपत्ति या डेली इनकम का भी माना गया है। अगर मंगल यहाँ पे
शुभ परिणाम दे रहे हैं तो धन संपत्ति परिवार में वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन यहां पे अगर मंगल और बुध युति हो जाए तो बुध के लिए बहन भाई, बहन भाभी, नॉट भाई, बहन भाभी, नर्स नौकरानी, तोता भी बुध का होता है, बकरियां बुध की होती हैं। उनसे संबंध मधुर रखे और उनकी सेवा करें। तो प्रतिकूल प्रभाव प्राप्त होंगे, नहीं तो तकलीफ का कारक बनेगा। यहां से बुध और मंगल, मंगल बद भी बनाते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मंगल बद की तकनीक, बट बुध और मंगल मंगल बद भी बनाते हैं। तो साथे भाव से बुध मंगल साथ हो तो ये तकलीफ बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति लगन में हो और लगन से प्रभाव दे रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में बेनिफिट होता है। प्रॉपर्टी के काम में व्यक्ति को मुनाफा मिलता है। भाइयों को फायदा, भाइयों को सपोर्ट करना या भाइयों की संतान को सपोर्ट करने से मंगल शुभ प्रभाव देता है। 27 वर्ष की आयु के बाद स्त्री सुख प्राप्त करने से मंगल शारीरिक कष्ट में आराम देता है। बहन बुआ बेटी, विधवा औरत की सहायता करने से लाभ होता है। घर में बेलदार पौधा, तुलसी, मनी प्लांट, जल देने से, उनकी सेवा करने से लाभ प्राप्त होता है। रसोई के नीचे सीढ़ी कभी नहीं बनानी चाहिए। स्त्री कष्ट, स्त्री को कष्ट दर्शाता है, स्त्री का कष्ट ऑपरेशन दर्शाता है मंगल साथ होने से। अगर मेल की कुंडली में मंगल साथ है तो स्त्री को कष्ट ऑपरेशन दर्शाता है। प्लस में अविवाहित इंसान या लड़कियां ज्यादा रहेंगी। घर में तोता पालना अशुभ माना जाएगा। घर में, घर की छत पे चमगादड़, उल्लू, बेकार बांस, फालतू का कचरा, चूने का काम हुआ तो वहीं पे छोड़ दिया, ये मंगल बुरे मंगल की पहचानी दर्शाएगा। बड़े चौड़े पत्तों वाले वृक्ष लगे हों तो मंगल की यहाँ पे बद मंगल की या अशुभ मंगल की निशानियां दर्शाएगा। स्त्री से तूतू मैमै लगी रहेगी। बच्चे के जन्म में ऑपरेशन की संभावनाएं होंगी। जातक की अपनी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाती हैं। सातवें घर में मंगल हो तो जातक की इच्छाएं पूर्ति के लिए अच्छा है, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है। जातक अपनी बहन को लाल कपड़ा भेंट करे। जातक अपनी जेब में चांदी की ठोस गोली रखे। बहन बेटी चाची भाभी को उपहार दे।
डेकोरेटिव पौधे लगाने से बचे, चरित्र साफ रखे, मसूर की दाल, शहद, सिंदूर दान करें, पानी में जल प्रवाहित करें, लोगों को मिठाई खिलाए, सौ कच्ची ईंट की दीवार बनवाकर एक बार उसको गिरवा दो और फिर दोबारा बना लें। सातवां, सात मंगल सात का बहुत अच्छा उपाय है, सौ कच्ची ईंट की दीवार बनाए और अपने बाई टांग से एक बार उसको गिरा दे, बाई टांग को हिट करके एक बार गिरा दो और देन मेक इट अगेन। लेकिन वो जो मलबा है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसी मलबे को उसे रीवॉल कंस्ट्रक्ट नहीं करने। 50 ग्राम चांदी की ईंट घर में रखें, दूध से बना हलवा बांटें, ये अगर मंगल आठ है तो अनुकूल नहीं माना जाता, मंगल आठ जातक को तकलीफ देता है। घर की शांति, शारीरिक कष्ट, शारीरिक अशांति को दर्शाता है। अशुभ मंगल विवाहित जीवन में विश्वास की कमी लाता है, वफादारी की कमी लाता है। अशुभ मंगल जीवन साथी के लिए अशुभ रहता है, अशांति का कारक बनता है। आठवां मंगल, मंगल आठ जातक को शक्ति और दृढ़ संकल्प भी देता है, फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ बल, शक्ति, दृढ़ संकल्प का अनुभव करवाता है। छोटे भाइयों को दर्शाता है मंगल, और आठवें घर का मंगल छोटे भाइयों के लिए परेशानी दर्शाता है। आठ मंगल आठ तरह तरह के धोखे, धोखों से लिए गए बदले दर्शाता है। मंगल आठ शनि का स्थान भी है, और जो दोनों मिलके इस गुण, इस घर के जो गुण है वो उसको प्रभावित करते हैं, तो मंगल आर्ट इज नॉट कंस्ट्रक्ट गुड। या मंगल जातक के छोटे भाइयों पे भी बुरा प्रभाव डालता है, जातक को लाभ हानि पहुंचाता है, शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं। स्त्रियों के लिए मंगल आर्ट दाम्पत्य जीवन के लिए तकलीफ कारक बनता है, वियोग का कारक बनता है। अगर घर में बट्टी तंदूर इस्तेमाल करें तो मंगल आठ बेहतर हो जाता है। अंगीठी, बट्टी, तंदूर तो मंगल बेहतर रिजल्ट देता है। आजकल तो गैस का जमाना है, लेकिन बट्टी, अंगीठी, तंदूर का जमाना नहीं है। अष्टम का मंगल फैक्ट्री, शमशान, दरगाह, मिट्टी, जहां पे निरंतर आग लगी रहती है या भट्टी जलती हो उसके पास नहीं लगानी चाहिए।
यानी कि फैक्ट्री को शमशान दरगाह या बट्टी वाले स्थान पे, या कार्य को या कामकाज को या ऑफिस को ऐसी जगह पे, या रहने का अपना मकान अपनी जगह ऐसी जगह पे इसे दूर बनाना चाहिए जहाँ पे शमशान दरगाह बट्टी निरंतर जलती रहती हो। ये मंगल बत की निशानी है। जितना तेजी से बुध बढ़ेगा उतने तेजी से मंगल बध यहां से देखा जाएगा। तो बुध के उपाय यहां पे मददगार होते हैं। अभी तो ऐसा नहीं होता, बट पहले के टाइम में जली हुई राख से तो मकान को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये बदकिस्मती का कारक बनता होता था, ये बहुत बदकिस्मती का कारक है। तो जली हुई राख, अंगीठी तंदूर भट्टी की जो राख होती है वो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी तो होती नहीं है खैर। लकड़ी का टूटा फर्नीचर, अवैध रिलेशन, पत्नी से अनबन, ये प्रमुख निशानी है मंगल आठ। अपने गले में चांदी की चैन पहननी चाहिए। घर की माँ दादी से चांदी लें और गले में पहने। विधवा स्त्री का ध्यान रखना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वीराने में शहद से भरे मिट्टी का बर्तन को दफना देना चाहिए। सौ दिनों तक लाग में चांदी पहनने से बुध के जो बुरे प्रभाव होते हैं आठवें घर के मंगल को तकलीफ दे रहा होता है उसमें कमी आती है। विधवा महिलाओं से आशीर्वाद लें, रसोई में बैठ के भोजन करें। किसी धर्म स्थान में चावल गुड़ चने का दान करें। गायत्री मंत्र स्तोत्र का पाठ करें। खाली गीठी या खाली तंदूर सिर्फ एज ए शोकेस अपने घर में कभी नहीं रखें, जमीन पे, छत पे, अंदर में। आठ मीठी रोटी तंदूर पे सिकी हुई कुत्तों को डालें। सोना चांदी और तांबे की अंगूठी पहने। दादी से लेके माता से लेके चांदी पहने। पानी में 100 ग्राम रेवड़ियां या बताशे पर जल प्रवाह करें। बांस में शक्कर भर के वीराने में दबाने से भी मंगल आठ को फायदा होता है। मंगल नौ, यहाँ मंगल कंफर्टेबल होता है क्योंकि बृहस्पति का घर है। मंगल यहाँ स्वतंत्र होता है, भयमुक्त होता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, भाग्यशाली होता है, कम उम्र में लीडरशिप रोल प्ले करता है, व्यापारिक रोल प्ले करता है कम उम्र में। अच्छी व्यापारिक कुशलता, अच्छी कार्यकाल कुशलता, प्रशासन कुशलता व्यक्ति को प्रदान होती है मंगल नौ। और बृहस्पति देव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से समय समय पे समस्याओं का समाधान भी करता है। अपनी स्ट्रांग विल पावर
मंगल की जो शक्ति है उसको यूज, उसको पॉजिटिवली यूज करके सॉल्यूशंस निकालता है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवलिंग है, तो इस साहसी यात्राओं को भी शौकीन होता है मंगल और लंबी यात्राएं करता है, सम्मान से सम्मानित होते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, रुकावट का सामना करते हैं पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रह मंगल के मित्र का बृहस्पति का है। यह मंगल बड़ों का, बड़ों की मदद आशीर्वाद प्राप्त करता है, अच्छा फल देता है। भाई की पत्नी के लिए भाग्यशाली होता साबित होता है। ऐसे जातक के भाई भी होंगे, ऐसे जातक पिता को सपोर्ट बहुत करता है, पिता के लिए बहुत सपोर्टिव होता है, उसको भी पिता का बहुत सपोर्ट मिलता है और ऐसा जातक भी पिता के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। जातक 28 वर्ष की आयु तक आते आते तक एक अच्छी पदवी प्राप्त कर लेता है। जातक अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शन करते हुए व्यवसाय को बढ़ाने में, अपने कार्य को बढ़ाने में भरपूर सहयोग देता अपने पिता का, और अपने जहां पे भी कार्यरत होता है वहां पे भी मुनाफा कमाता है। धार्मिक विचार, धार्मिकता की तरफ इन्फ्लुएंस होता है। मंदिर में सिर झुकाने में आगे होता है। ऐसे जातक की जन्म के बाद पिता को समाज में मान सम्मान और तरक्की प्राप्त होती है। गरीबों का मसीहा बोला गया, ऐसे व्यक्ति को गरीबों का मसीहा बोला गया। ऐसा व्यक्ति घमंडी, थोड़ा घमंड इगोस्टिक वाला बन जाता है और गपोड़ी भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति की जल्दी काम काज चालू कर देता है तो विद्या को या एजुकेशन को जल्दी छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लाल रुमाल रखना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी का को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, अपने दादा पिता का ख्याल रखना चाहिए, अपने भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आस्तिक विचार वाला, आस्तिक विचारों का पालन आस्तिक होना चाहिए। भोजन, रिश्तेदारों को भोजन, गेस्ट को भोजन करवाने के लिए से पहले उनको मिठाई जरूर भेंट करें। सौ दिन तक लगातार पीले फूल मंदिर में चढ़ाए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। मंगल 10 अगर आजीविका का है, पेशे का है, नौकरी का है, सकारात्मक परिणाम देता है। 10 मंगल को मजबूत करता है। जातक कड़ी मेहनत करता है, एकमात्र लक्ष्य मंगल 10 अपने प्रयासों से, अपनी कड़ी मेहनत से उच्च पद प्राप्त करना
और सफलता प्राप्त करना। बहुत स्ट्रांग पॉलिसी मेकर होता है, बहुत स्ट्रांग रणनीति मेकर होता है। कार्यस्थल में भी उच्च पद प्राप्त करता है, ऊर्जावान होता है। अपने सहयोगी को अपने कार्य कुशलता के कारण दबा के रहता है, उससे दबदबा बनाए रखता है, दबदबा बनाए रखता है अपने सहयोगी के ऊपर, अपनी कार्य कुशलता के कारण। पर उनकी जो प्रकृति है कि अपने सहयोगी को, अपने कलीग्स को के ऊपर दबदबा बनाए रखे, ये एक विरोध भी पैदा करता है और इनके छुपे हुए दुश्मन भी पैदा करता है, जो इनके लिए एक बेचैनी का कारक बनता है। दूसरे लोग उनसे जलन महसूस करते हैं और उनकी प्रगति में अड़चने पैदा करते हैं। लेकिन मंगल दस वाला व्यक्ति परवाह नहीं करता और वो अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहता है और उसको सफलता भी प्राप्त होती है। मंगल दस को मंगल दस कुंडली की वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन है। ये जातक अगर गरीब परिवार में भी होता है तो सामर्थ्यवान बना देता है जातक को, और जातक अमीर परिवार में पैदा होता है तो और अमीर बना देता है। अगर ये जातक बड़ा भाई होता है तो समाज में इसकी अलग पहचान होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। जातक साहसी और कुल को साथ लेके चलने वाला, परिवार के लिए सहयोगी होता है, समाज में अपनी इज्जत अपने बलबूते पे बनाता है। मंगल दस चौथे भाव पे दृष्टि देता है। ऐसे में माता की लंबी आयु निशानी का कारक है। दूध उबल के गिरना मंगल दस की निशानी है, ये नुकसानदेह है। हैंडीकैप लोगों का, निसंतान लोगों का सहायता करना, ये मंगल दस की लिए सहायक है, शुभ है। दूध का उबल के गिरने से परिवार में कह क्लेश बढ़ता है, तो मंगल दस को ये सलाह दी जाती है लाल किताब के माध्यम से कि ये एक्टिविटी पे ध्यान दें। संतान, पारिवारिक सुख, सरकारी कामों का विशेष लाभ प्राप्त होता है। 28वें वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को नौकरी के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। मंगल दस यूनिफॉर्म जॉब को दर्शाता है और जाता की आंखें लाल या जाता आंखों में कोई गर्मी को दर्शाएगा। हनुमान जी की आराधना करने से फायदा होता है, चाचा लोगों का ख्याल करने से फायदा होता है, पैतृक संपत्ति का राइट उपयोग करने से फायदा होता है, विकलांग लोग, निसंतान लोगों को देखभाल करने से, सहायता करने से फायदा होता है। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, मंगलवार का व्रत रखें, उबलते दूध को नीचे नहीं गिरने दें। ऐसे व्यक्ति को बोला गया है कि जेल का पानी पीने से फायदा होता है।
और चाचा ताऊ की सेवा करने से फायदा होता है, सोना पहनने से इनको फायदा होता है। मंगल 10, मंगल 11, मंगल 11 वाला व्यक्ति दोस्त और सामाजिक और समाज की मदद करने वाला होता है, समूह का नेतृत्व अच्छा करता है, सामाजिक कार्य के लिए सामाजिक योगदान अच्छा देता, प्रबंधक अच्छा होता है, योजनाकार अच्छा होता है, मजबूत साहस वाला होता है, पीछे मुड़के नहीं देता, अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है। मंगल 11 वाला व्यक्ति समृद्ध होता है, आरामदायक जीवन प्राप्त करता है, जीवन में मेहनत करता है बल्कि दूसरों को भी सहयोग करता है, दूसरों को समझता है और उच्च पद को बने रहने के लिए दूसरों की सहायता लेता भी है और देता भी है, दूसरों का सहयोग को कभी नजरअंदाज नहीं करता। मंगल 11 आमतौर पर अच्छा परिणाम देता है, ये घर बृहस्पति और शनि का को प्रभावित कर रहा है। यदि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो यहाँ पे तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, जहां तक साहसी होता है, व्यापारिक होता है। मंगल बृहस्पति यहाँ इकट्ठे बैठे हो तो मल्टीपल ब्रदर्स का योग दर्शाता है। अट्ठाईस वर्ष के बाद व्यक्ति के बहुत अच्छे साल होते हैं, जहां पे धन अर्जित करता है, भाइयों को सहायता देता है। जातक को माता पिता की जायदाद यानी कि विरासत की जायदाद भी प्राप्त होती है। किसी प्रकार से गुरु का अपमान, बृहस्पति का निरादर ये अशुभ फल प्राप्त करेगा, देगा। जातक को केसर का तिलक पुखराज फायदा करता है। काला सफेद कुत्ता मंगल के लिए शुभ परिणाम देता है। काला सफेद कुत्ता कुत्ते की सेवा मंगल के लिए शुभ परिणाम देता है। यहाँ पे मंगल 11, लड़के का जन्म हो घर में तो मंगल 11 बहुत अच्छा है। मंगल 11 घर में शतरंज, ताश, कैरम बोर्ड प्राप्त होगा। बैंक से अगर लोन लिया होगा तो मुसीबतों का सामना करेगा। मेल चाइल्ड में देरी होगी। ऐसे व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि अपनी पैतृक संपत्ति को कभी नहीं बेचना। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर या शहद रखें। मंगलवार का व्रत करें। अपने मेहमानों को मीठा भोजन परोसें। ऐसे व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि 3 कुत्ते पालें या 3 कुत्तों की सेवा करें, काले सफेद। सोने का बेजोड़ छल्ला पहने। औरतों से झगड़े से बचें। मंगल 12, 12वें घर में मंगल जातक को बहुत आत्मविश्वासी, क्षमताओं से भरपूर, बट रहस्य में ही होगा। अपने विचारों को जल्दी से शेयर नहीं करेगा। अपने अंदर अपनी बातें दुबका के रखता है। दूसरों की मदद लेने से संकोच करेगा। ज्यादातर स्वार्थी होगा, अपने बलबूते पे करेगा। और कार्यस्थल पे
जो अपने कलीग्स होंगे उनका विरोध का सामना करेगा अपनी इस आदतों के कारण। और ये लगातार प्रयास करने से इंसान जल्दी थक जाएगा। मंगल 12 वाला व्यक्ति जल्दी थकावट महसूस करेगा। मंगल 12 सम्मान की हानि करता है, झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। करीबी लोग उससे बहुत आशा रखते हैं, बट कई बार उनको निराश होना पड़ता है। खर्चा नियंत्रण में रखेगा, लेकिन उधारी ऋण देने दे देगा या देने में मजबूर हो जाएगा, और यह उसका नुकसान है। ये घर बृहस्पति का निवास स्थान है, राहु का यह पक्का घर माना गया है मंगल 12, इसलिए जातक को ये परेशानी देता है। मंगल 12 जो है जातक को बुरी स्थिति दर्शाता है। ऐसे जातक का घर का जो मुख्य द्वार होता है, मंगल 12 वाले के घर का जो मुख्य द्वार होगा वो बहुत ऊंचा होगा। आमतौर पे द्वार का जो हाइट होती है नॉर्मली 7 फुट होती है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वार की हाइट नॉर्मली 8 फुट 9 फुट देखने को प्राप्त हो सकती है। स्त्री के साथ रिलेशनशिप दिक्कत रहेगी, गृहस्थ जीवन के सुखों में कमी आती है, दुर्घटना से चोट भय का कारण बनता है, हथियार से चोट का भय बनता है, वास्तु दोष निशानी है। टॉयलेट घर के कोने पे बने होने की उम्मीद प्राप्त होगी। सीढ़ियों के नीचे गैस, रसोई, चिमनी, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। हाथी के खिलौने, जंगल का हथियार, गृहस्थ जीवन में तकलीफ का कारक है। मंगल 12 एक्सीडेंट का योग दर्शाता है। जातक के जीवन में चोट पीट लगना, दुर्घटना होना एक कॉमन सी बात है। ये 12 भावों की हमने व्याख्या पूरी करी। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, हमने मंगल 12 आज हमने पूरे किए। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, एक प्रथम भाव की कहानी, हम 12 के 12 भावों की कहानियां भी देखेंगे अपनी जर्नी में, और एक प्रथम भाव की कहानी को जरा एक रिलेट करने की कोशिश करते हैं। 5-10 मिनट में आपसे और लूंगा, उसके बाद वी विल ओपन द माइक फॉर जनरल चर्चा। प्रथम भाव लाल कुंडी के अनुसार और उसमें बैठे ग्रहों की स्थिति का को कैसे दर्शाता है, कहानी के माध्यम से इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली का प्रथम भाव का स्वामी मेष राशि होता है, जो कि मनुष्य के सिर दर्शाता है। घर में मेष राशि को बहुत ही महत्व दिया गया है, जीवन आत्मा का घर है। भगवान श्री विष्णु परमात्मा से लीड किया गया, रूप माना गया है। दूसरा भाव और सातवां भाव शुक्र का घर है, शुक्र मतलब लक्ष्मी माता से लीड किया गया है। दूसरा सातवां भाव कुंडली का माया घर है, जिसका संबंध लक्ष्मी माता से दर्शाया गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को चाहती हैं, और भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी माता
बचाते हैं। तो संसार में मनुष्य की दौड़ माया की तरफ और माया मनुष्य का जोड़ और दौड़ लगी रहती है। लाल किताब भी इस चीज को, इस झगड़े के, संसारिक झगड़े को, आत्मा माया के इस संबंध को एक अच्छे से प्रस्तुत करती है। पहले भाव से विचार करें तो तंदुरुस्ती, साहस, हिम्मत, हौसला, कार्यक्षमता, निजी ताकत, हुक्म, गद्दी रूप, गद्दी गद्दी जो है लाल किताब का वर्ड आ जाता है, रूप, जीवन, शक्ति, संघर्ष, शिक्षा, ऐश्वर्य, मान सम्मान, इसको भी दर्शाता है। लगन में सूर्य उच्च का माना गया है और मेष राशि में सूर्य उच्च का माना गया है। सूर्य यहाँ पे आत्मा का कारक माना गया है, जीवन दाता है सूर्य। यहाँ सूर्य भगवान इसने इस पृथ्वी को रोशनी दी, जीवन दिया, और वो नहीं होती तो इस पृथ्वी पे बर्फ होती, क्योंकि गर्मी से ही पानी पिघला। लगन का मित्र सूर्यदेव, और लगन का मित्र, लगन जो है खुद मंगल, जो कि गरम गरम खून, और सूर्यदेव यहाँ पे खुद बैठे हैं, तो जातक के अंदर एक फायर का निर्माण करते हैं, फायर देते। लेकिन ऐसा जातक का जो खून होता है वो बहुत अच्छा खून होता है। ऐसे बीमार जातक को बीमारी, सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, बीमारी जल्दी से घेर नहीं पाती। और मंगल और सूर्य का संबंध यहाँ पे शासन से है, तो दोनों ग्रह अगर यहाँ पे आज मिलते हैं तो शासक दर्शाते हैं। दोनों गर्म ग्रह है, जातक को गुस्सा बहुत आता है। अकेला सूर्य लगन में हो तो बाल झड़ना उसकी निशानी भी है। जातक का शरीर आमतौर पर पतला होता है। सूर्य अगर मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ दृष्ट ना हो तो बहुत अच्छे फल देता है। आमतौर पर यहाँ पे उपाय की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे में। और प्रथम घर में यहाँ पे शनिदेव नीच के माने गए हैं, शनि काला अंधेरा है, हर काम में विलंब करते हैं। अगर उसके ऊपर, शनिदेव के ऊपर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि ना हो तो जीवन के महत्वपूर्ण कार्य, पढ़ाई लिखाई, शादी, जिंदगी, इन कार्यों में विलंब दिखाई जाता है। प्रथम भाव में शनिदेव जातक को मकान निर्माण, सड़क निर्माण, मशीनरी के कार्य, तेल, ठेकेदारी, गैस कार्य उसे कनेक्ट करते हैं। शनि के उपाय यहाँ पे स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत उपयोगी माने गए हैं। ऐसे में तवा, चिमटा, चाकू मंदिर में या संत महात्मा को दान देने में उपयोगी बने गए हैं। ऐसे में गिरी वाला जो नारियल होता है उसे ऊपर से काट के उसमें, उसके बीच में खसखस शक्कर भर के, सात शनिवार जहाँ पे चीटियां आती हों वहां पे रख देने से लाभ प्राप्त होता है। शाम को यहाँ पे दबा दिया जाए, रख दिया जाए, तो उस नारियल के जगह पे जो चीटियां इकट्ठी होंगी वो एक प्रकार का यज्ञ माना गया है, और इसे बहुत शनि के उपाय के लिए बहुत उपयोगी माना गया है, जिसे शनि का जो लगन में बैठे शनि का जो बिगड़ा रूप है उसे
सहायता मिलती है। लगन में बैठे शनि सप्तम घर पर भी दृष्टि देते हैं, जिससे सप्तम घर के अंदर कमी आती है। पति पत्नी में तर्क वितर्क, बीमारी परेशानी, रोजगार में दिक्कत, पति पत्नी के झमेले, साझेदारी में इन सब में तकलीफ आती है। अगर लगन में कोई ग्रह ना हो तो सत्ता में कोई ग्रह ना हो तो लगन में बैठा हुआ ये ग्रह सोया माना जाता है। सोए ग्रह की हम विशेषता अलग से पढ़ेंगे। तो उसके उपाय करने से उसको जगाना आवश्यक बन जाता है, नहीं तो वो अपनी अपने चक्कर पे जब जगेगा तो उसके उसके अपने आप सेल्फ के जगने से जो तकलीफ पैदा होती है उससे फिर इजाद पाने में दिक्कत आती है, तो उसको जगाने जरूर चाहिए। सूर्य लगन वाला व्यक्ति जितना परोपकार का काम करेगा उतना उन्नति पाएगा। चंद्र लगन में अच्छा माना गया है, लेकिन चंद्रमा के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जिसके लगन में चंद्रमा हो ऐसे जातक को कांचे गिलास में दूध या पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कांच का जो संबंध है वो बुध और राहु से है। ऐसे जातक को चांदी के गिलास में दूध और पानी पीना चाहिए, जिससे चंद्रमा की शक्ति बढ़े। चांदी की भस्म दवाइयों में भी यूज की जाती है। ऐसे जातक को की तरक्की के लिए जेब में लाल रुमाल रखना चाहिए। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और लगन में बैठे हूं तो दूसरी तरफ से सप्तम भाव को दर्शाते हैं, दृष्टि देते हैं। अट्ठाईस साल से पहले शादी ऐसे जातक की ना करने की इजाजत दी जाती है। ऐसा भी बोला गया चारपाई के चार पांव में तांबे की कीले अगर गाड़ दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। इसके पीछे का तर्क क्या है? चारपाई और चारपाई की चार टांगे केतु मानी गई हैं और तांबे की कीले मंगल है, तो केतु और मंगल के बांध देने से इंसान को बुरे प्रभाव आ रहे होते हैं तो उसमें कमी आती है। रात को नींद अच्छी आती है, चंद्रमा के लगन में होने से चंद्र लगन के व्यक्ति की कल्पना शक्ति अच्छी हो जाती है। केतु शनि राहु की अगर कहीं से दृष्टि आ रही होती है, खराब होता है तो उसमें कमी आ जाती है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा होता, काम मकान में दिक्कत आ रही होती है, काम बार बार बदल रहा है, काम टिक नहीं रहा, मकान में दिक्कत है, उसमें कमी आती है। बुध अगर लगन में बैठे हों मंगल जो है यहाँ पे ऋणी का ग्रह बन जाता है। मंगल के ऋण उतारने के लिए
अपने खानदान के सदस्यों को बराबर का हिस्सा लेकर उनको और उसमें 10 गुना पैसे जेब से मिलाकर दान देने चाहिए। क्योंकि मंगल अगर बुध अगर लगन में आ जाता है तो मंगल ऋणी हो जाता है। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जन कल्याण हो। पैतृक ऋण कभी कार्य लाल किताब पैतृक ऋण भी बताती है इसे। बुध पीड़ित हो, बुरी अवस्था में हो, तो घर के अंदर मनी प्लांट ना लगाएं, हरा कपड़ा ना पहने। लगन में गुरु अगर बैठे हों तो यहां से सप्तम भाव पंचम भाव नवम भाव को दृष्टि देते हुए हमारे रोजगार में भागीदारी में पति पत्नी के अंदर नवे भाव से हमारे भाग्य के अंदर वृद्धि करते हैं। कुंडली का दूसरा घर और पांचवा घर और 9वां 11वां घर गुरु का अपने घर माने गए हैं। अगर इन घरों में गुरु का शत्रु ग्रह राहु शुक्र बैठ जाते हैं तो ये गुरु ऋण माने गए हैं। और गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरु के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए तांबे के बर्तन में चने की दाल भरकर गुरुवार के दिन गणेश जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करके हे गुरुदेव हे गुरु हमारे गुरु ऋण से हमें छुटकारा दे ऐसी प्रार्थना करके हमारे कष्टों को दूर करें और ये वहां पे प्रार्थना करके चढ़ा देना चाहिए। अभी इसके बाद शुक्र बच गया शनि बच गया राहु केतु बच गए प्रथम घर में। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लेंथी काफी लंबा हो गया और आई थिंक आई मे स्टॉप इट हियर। तो जस्ट